गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 7 में पढ़ने जा रहे हैं शासक और इमारतें, यानी इमारतों के बारे में कि कौन से शासक ने कौन सी इमारत का निर्माण करवाया और उन इमारतों में क्या क्या खूबियां थी, इसलिए वो इमारतें बनवाई गई थी, इसके बारे में आज हम इस अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कुतुब मीनार का। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम जो जिक्र करते हैं कुतुब मीनार का करते हैं। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है बच्चे? कुतुब मीनार आपके दिल्ली में स्थित है और इसको अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, रोशन तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है, यह है 5 मंजिली इमारत है। कितने मंजिली इमारत है बच्चे? 5 मंजिली इमारत है। 5 मंजिली इमारत है और कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे है। अभिलेखों की अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे स्थित है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। शेष मंदिर का निर्माण निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया पहली मंदिर का तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और जो बाकी का था वो किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है बच्चों, तो ये आप देख रहे हैं। उसके बाद में कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से यह इमारत आंधी तूफान और
भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। ठीक है बच्चों, तो देखो कुतुब मीनार यह पांच मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। शेष मंजिल का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। कई वर्षों तक यह इमारत आंधी तूफान और भूकंप की वजह से क्या हो गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, इमारत के बारे में पढ़ा। मोहम्मद तुगलक, फिरोज खान, अलाउद्दीन खिलजी लोधी ने इसकी मरम्मत करवाई। बाद में इन लोगों ने इसकी मरम्मत करवाई थी। इस ये जो मीनार का बाहरी हिस्सा है घुमावदार तथा कोणीय है। इसकी ऐसी सतह पर क्या लिखे गए हैं, अभिलेख लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं, अभिलेख लिखे गए हैं। और 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत को देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, जो पहले थी उस समय इमारतें पत्थर या ईंट की बनी होती थी। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हमने कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा और थोड़ा सा इमारत के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे आठवीं और अठारहवीं शताब्दियों के बीच, आठवीं तथा अठारहवीं शताब्दियों के बीच आठवीं से लेकर के अठारहवीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने राजाओं तथा उनके अधिकारियों के बीच क्या किया, अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया, ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया। कितने तरह की इमारतों का, दो तरह की इमारतों का निर्माण किया। और पहली तरह की इमारतों में, पहली तरह की इमारतों में जो निर्माण किया गया वो सुरक्षित संरक्षित तथा संरक्षित इमारतें, सुरक्षित तथा संरक्षित इस दुनिया और दूसरी दुनिया के आराम विराम की, इस दुनिया दूसरी दुनिया के आराम विराम की भव्य जगह भव्य जगह किले महल
नीले महल तथा मकबरे थे तथा मकबरे थे। इस तरह की इमारतें बनाई गई थी। दूसरी श्रेणी में मंदिर मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद खोज हुए खोज हुए सराय तथा बाजार जैसी सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारत थी। जनता के उपयोग की इमारत। तो इस तरह से बच्चों दो तरह की इमारतें राजाओं ने बनवाई थी, राजा तथा उनके अधिकारियों ने बनवाई थी। आठवीं से लेकर के 18वीं सदी के शताब्दियों के बीच में राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण करवाया था। पहली तरह की जो इमारतें थी वो सुरक्षित और संरक्षण की दृष्टि से थी, जिसमें आराम विराम के भव्य जगह के लिए महल तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर मस्जिद कुएं खोज बाजार जनता के उपयोग की इमारतें थी। तो इस तरह से दो तरह की इमारतों का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, समझ में आया? दो तरह की कैसे हुई, एक में तो किले और ये सब थे और दूसरे में जनता से संबंधित इमारतें थी। आगे देखेंगे इसी में। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की अपनी प्रजा की देख रेख करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए तथा राजा के उपयोग में आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर इमारतों का निर्माण करवाकर और क्या करेंगे, प्रशंसा पाने की आशा करते थे। जनता से प्रशंसा पाने की आशा करते थे
करते थे, प्रशंसा पाने की आशा करते थे और इस तरह के निर्माण कार्य इस तरह का जो निर्माण कार्य होता था व्यापारियों सहित व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे और अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे वे मंदिरों और मस्जिदों वे मंदिरों मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे ठीक है। तो राजाओं ने अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखरेख करेंगे तथा प्रजा के उपयोग व आराम के लिए मार्गों का निर्माण कराते जनता से प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण के कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों मस्जिदों और कुओं का भी निर्माण करवाते थे। तो इस तरह के निर्माण करवाए जाते थे ताकि प्रजा उनसे क्या रहे प्रसन्न रहे। परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। मतलब 8वीं शताब्दी में ऐसा नहीं था कि जो व्यापारियों के बड़े बड़े घर है वो मिलने शुरू हुए, उनके घर तो केवल 18वीं शताब्दी से ही मिलना प्रारंभ हुए थे। यानी 18वीं शताब्दी में ऐसा माना जाता है कि व्यापारी अपने लिए बड़ी बड़ी हवेलियों का निर्माण करते थे और उन्हीं हवेलियों में रहते थे और जनता के लिए भी कई चीजों का निर्माण करवाते थे। अब हम पढ़ेंगे अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। अभियांत्रिकी कौशल कार्य और निर्माण इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी यांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखेंगे कि स्मारकों से हमें उनके निर्माण से स्मारकों से से हमें उनके निर्माण में हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी विज्ञान का भी
पता चलता है। पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए, इसमें छत का उदाहरण लेंगे। छत का ही किस प्रकार की छत बनती थी उस समय? छत का ही उदाहरण ले लीजिए, हम चार दीवारों के आर पार हम चार दीवारों के आर पार लकड़ी की चार दीवारों के आर पार लकड़ी की छह तीरों छह तीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर एक पत्थर की पटिया रखकर क्या कर सकते हैं? पटिया रखकर छत बना सकते हैं। छत बना सकते हैं और लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन यह कार्य उस समय कठिन हो जाता है जब उस समय कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। देखो बच्चों, इसमें बताया गया है कि स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है कि किस तरह से उसकी रचना की गई है, उसके ऊपर क्या क्या नक्काशी की गई है, किस तरह से उसको बहुमंजिला बनाया गया है, किस तरह से उसमें छज्जे किए बनाए गए हैं, इन सब चीजों का पता भी हमें शिल्प विज्ञान का पता चलता है जब हम उनकी इमारतें देखते हैं। छत का उदाहरण लेंगे, हमने चार दीवारों के आर पार लकड़ी की शैतियों पर यानी लकड़ी के खंभों पर यानी लकड़ी की उस पर अथवा एक पत्थर की पटिया रख दी। एक पटिया एक पर तो छत बना सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है छत बन गए। लेकिन अगर हमें ये कार्य उस समय कठिन हो जाता है जब हम एक बहुत बड़े भवन का निर्माण, अगर आप एक बहुत बड़े भवन का निर्माण करोगे उसमें चार लकड़ी की शैतिरें लगा करके छत बना दोगे, ऐसा बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। इसलिए ये तो एक एग्जाम्पल बताया गया है। तो जिसका हम निर्माण करवाना चाहते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शिल्प विज्ञान का भी ज्ञान देना होगा, उसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। जब हमें एक बड़े कक्ष का निर्माण करना होता है तो उसके लिए हमें बहुत बड़े परिष्कृत कौशल की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इसमें अभियंत्री कौशल का भी और निर्माण कार्य का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए हम आगे कंटिन्यू करते हुए देखेंगे देखा आपने कि किस तरह से शिल्प की आवश्यकता होती है, स्मारकों में किस तरह से कार्य किया जाए, कौशल की आवश्यकता होती है, किस तरह से इसको बनाया जाए। साथियों और
शादी में सातवीं प्रथा दसवीं शताब्दी के मध्य सातवीं तथा दसवीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में क्या करता था भवनों में और अधिक कमरे और अधिक कमरे दरवाजे खिड़कियां बनाने लगे और छत दरवाजे और खिड़कियां अभी क्या होती थी दो खंभों के आर पार क्या करती थी अनुप्रस्थ क्षेत्रीय पर अनुप्रस्थ क्षेत्रीय पर रखकर बनाए जाते थे। इस तरह से इनका निर्माण किया जाता था। देखो सातवीं तथा दसवीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे दरवाजे खिड़कियां बनाने लगे। छत दरवाजे खिड़कियां अभी तो ऊपर खंभों के आर पार अनुप्रस्थ क्षेत्रीय पर रखकर बनाए जाते थे। इस तरह से खंभों पर रख करके क्या किया जाता खंभों के आर पार खिड़कियों का निर्माण किया जाता था। और वास्तुकला की शैली अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाई। वास्तुकला की शैली है क्या कहलाई अनुप्रस्थ टोड़ा की शिल्पकला कहलाई अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कला कहलाई। 18वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों मस्जिदों मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं से जुड़े भवनों का निर्माण इस शैली के आधार पर ही हुआ है। इस शैली के आधार पर ही क्या हुआ है कि जो 18वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में जो मंदिर बने मस्जिद बने और क्या बने सीढ़ीदार कुएं बने जुड़े भवनों का निर्माण इस शैली का प्रयोग किया गया। कौन सी अनुप्रस्थ क्षेत्रीय शैली का प्रयोग किया गया है तो इसको अनुप्रस्थ कोड़ा निर्माण शैली भी कहते हैं। समझ में आया बच्चों तो इस तरह से इसका निर्माण किया गया था। आगे हम देखेंगे इसमें इस तरह से शैली में अनुप्रस्थ टोड़ा शैली में निर्माण किया गया। इसके अलावा अनुवार शैली पर रख करके बनाए जाते थे। इसका जो हम अगला पढ़ेंगे 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिरों का निर्माण ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों तो ये आपने हमने इनके बारे में देखा एक गुजरात के बारे में देखा एक आठवीं से लेकर के 18वीं शताब्दी में किस तरह की इमारतें दो तरह की इमारतें बनाई गई थी। अब हमने देखा कि अभियांत्रिक कौशल तथा निर्माण कार्य किस तरह से किया
जाता था, तो इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर का निर्माण किस प्रकार से होता था और उस समय के मंदिर किस तरह के बनाए जाते थे, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।